हमारे चैनल में दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि NOS का। देखो बच्चों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं बच्चों, मैं NOS का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपके पास डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, आपके पास डेट शीट आ चुकी है, आपने हॉल टिकट भी डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑल डिटेल आ चुका है कि एग्ज़ाम कब है और कब होने हैं। ठीक है, सेंटर भी आपको चल गए होंगे पता। ठीक है, तो बच्चों अभी क्या इस वीडियो में क्या होने वाले हैं, बच्चों में बात करने वाला हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर इस अप्रैल एग्ज़ाम में एडमिशन नहीं ले पाया है तो क्या वो उसके पास अदर चांसेस हैं। तो दो चांस हैं इस साल के लिए, आप बच्चा ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हो, ऑन डिमांड के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जो कि हमारा एकेडमिक एग्ज़ाम के जस्ट बाद में होता है, मतलब अप्रैल में हमारा ये एग्ज़ाम है, मई में हमारा ऑन डिमांड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सेकेंड क्या होगा बच्चे, सेकेंड हमारा है अक्टूबर का, अक्टूबर का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं बच्चे। बच्चों ने मुझे आज मैसेज भी आ रहे थे कि सर क्या मैं अक्टूबर के लिए फॉर्म भर सकता हूँ क्या, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो, अगर आप अक्टूबर के लिए फॉर्म भरते हो तो एडमिशन आपका नेक्स्ट ईयर में होगा, मतलब लाइक अपने ट्वेल्थ पास करने के लिए अक्टूबर के लिए फॉर्म भरा एडमिशन, जो कि मान लो कि आप बीए करना चाहते हो या फिर बीकॉम करना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें आपका एडमिशन होगा नेक्स्ट ईयर वाले सेशन में, मतलब 2025 में। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड पास कर लेते हो, तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप ऑन डिमांड पास कर लेते हो तो आपका एक साल बच जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप आसानी से अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो यार सबसे पहले देखते हैं एडमिशन होगा कैसे। ठीक है, आप बेसिकली क्या करोगे, लॉगिन पोर्टल पे जाओगे। ठीक है, कोई नया बच्चा है, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है तो ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो और लॉगिन कर लो। ठीक है, यहाँ आपको ऑनलाइन सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। देखो, सेकेंडरी कोर्स, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, वोकेशनल, सब आपको पता होगा। ठीक है, मेरा इस वीडियो का पर्पस मेनली क्या है बच्चे, पर्पस हमारा ये है वीडियो बनाने का कि देखो, ऑन डिमांड और अक्टूबर का एडमिशन लेना चाहते हो, अगर ऑन डिमांड में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आप अभी ले सकते हो, एडमिशन ओपन है। और अगर आपको एडमिशन लेना है अक्टूबर वाले सेशन में, तो 31 मार्च को लास्ट डेट है। ठीक है, तो भी आप एडमिशन ले लो, उसकी नहीं तो उसके बाद लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका लेट फीस लगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी टीम बहुत रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिव है, तो बहुत जल्दी आपको रिप्लाई कर देती है। बाकी आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो कॉल कर सकते हो। बाकी बच्चों देखो, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर आइए, और अगर आपको लगता है कि हाँ और हमने कुछ बताया आपको और आपको वेरीफाई करना है, तो भाई आप गूगल पे NIOS सर्च करते ही हमारी एक साइट खुलती है। ठीक है, आपको एडमिशन रिलेटेड क्वारी है, आप एडमिशन पर क्लिक करो, स्टूडेंट लॉगिन करना है, लॉगिन, देखो हॉल टिकट, लाइक हम हॉल टिकट बुक करते हैं, तो इसके आप इनरोलमेंट नंबर जैसे डालोगे, अपने इनरोलमेंट नंबर जैसे ही डालोगे आप, ठीक है, आप का हॉल टिकट आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ रैंडम डाला था तो नहीं आया, लेकिन आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो हॉल टिकट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, PDF पे आप डाउनलोड कर पाओगे, तो ये भी देख लिया हमने वीडियो में। बाकी वीडियो में बच्चों इतना ही था, एक बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपके पास चांसेस बहुत हैं, बस लगन होना चाहिए। वो तो कहते हैं ना कि भाई लगन होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो बात वही है बच्चों, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है अगर आपके मार्क्स कम आए हैं और आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम अक्टूबर के लिए फॉर्म भर लेंगे, लेकिन आप लेट मत करो, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, एट द एंड हमारा लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, ट्वेल्थ करना ही एक मेनली हमारा पर्पस अभी नहीं होना चाहिए, मतलब ट्वेल्थ पास करने के बाद हमें BCom, BSc, BA, हो सकता है जो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो BTech का एग्ज़ाम देगा, तो JEE Mains आपने देखा होगा, JEE Mains भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ भी फोकस करना है, तो भाई एडमिशन लो, पास हो जाओ, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे पास हो जाएं। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चों वीडियो में इतना ही था, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद बच्चों।